आजादी के 75 साल बाद भी भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है इनमें गरीबी सबसे प्रमुख है। गरीबी के अभिशाप से देश की एक बड़ी आबादी को निकालने के लिए सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। इसके बावजूद अभी भी देश में एक बड़ा तबका है जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव वाले जीवन जीने को मजबूर है। भारत में गरीबी उस स्थिति को कहा जाता है जब एक इंसान रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार कल्याण में अभाव को भी गरीबी कहा जाता है और ये कई सारी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल, सुरक्षा, आवास और आय के बेहतर साधन। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां रोजगार से लेकर गरीबी मिटाने के वादे कर रही है। ऐसे में जानते हैं कि इन राज्यों में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में सभी पार्टियां सियासी रण में उतर चुकी है। वर्तमान में चुनावी वादे, लोकप्रिय और लुभावनी घोषणाएं करने में बीजेपी और कांग्रेस बहुत आगे है। हालांकि तमाम घोषणाओं के बीच कुछ वादे ऐसे हैं जिसे पूरा करने का न सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस बल्कि हर छोटी से बड़ी पार्टियों ने वादा किया है। हम बात कर रहे हैं गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की। चुनाव प्रचार के दौरान इन तीनों ही राज्यों में गरीबी का मुद्दा काफी उठाया गया। सभी पार्टियों ने अपने अपने तरफ रोजगार लेने से लेकर बेरोजगार को पैसे देने तक के तमाम वादे किए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में पार्टियां इन तीनों राज्यों में गरीबी मिटाने में कामयाब हो पाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। साल 2023 में लोकसभा में दिए गए एक सवाल के जवाब में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि राजस्थान में कुल मिलाकर 1.2 करोड़ लोग यानी कुल जनसंख्या का 14.7% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। हालांकि साल 2015-16 में हुए एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार राजस्थान में 28.86% लोग गरीब थे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में गरीबी का आलम यह है कि विकास के तमाम दावों के बाद भी राजस्थान में लगभग 60% आबादी बिना गैस सिलेंडर के चूल्हे पर रोटियां बना रही है। हालांकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार गहलोत सरकार के इस कार्यालय में यानी इन 4 साल में 1,08,16,230 लोग गरीबों से बाहर आए हैं। ये पूरे देश में यूपी, बिहार और एमपी के बाद सर्वाधिक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश नीति आयोग अगस्त की शुरुआत में बहुआयामी गरीबी पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य में गरीबी में 15.94% कमी आई है, यानी लगभग 1.36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की आबादी में 20.58% की कमी आई है। इस राज्य के शहरी क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों के गरीब आबादी में 6.62% की गिरावट आई है। साल 2015 और 16 में आए NFHS-4 की रिपोर्ट में ये 13.72% थी, जो साल 2019 से लेकर 2021 तक की रिपोर्ट में कम होकर 7.1% तक आ गई है। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल भूपेश बघेल की सरकार है। इस राज्य में कुछ महीनों में 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में गरीबी से लोग बाहर आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 5 सालों में 40 लाख लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन पाया है और गरीबी से बाहर आ गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शहरों की तुलना में गाँवों में गरीबों की संख्या में तेजी से कमी आई है। इस राज्य में साल 2015 और 16 और साल 2019 और 20 के बीच 13.53% लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साल 2015 और 16 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की आबादी 29.90% थी, जो कि साल 2019 और 20 में घटकर 29.37% रह गई है। दुनिया के ज्यादातर देश गरीबों को पैसे की कमी के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि एक गरीब व्यक्ति को पैसे के अलावा भी एक समय पर कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो गरीब व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है,
या फिर वह कुपोषण का शिकार भी हो सकता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के पास पानी या बिजली की कमी भी हो सकती है या फिर स्कूली शिक्षा की कमी भी हो सकती है। ऐसे में गरीबी की व्यापक तस्वीर को बहुआयामी गरीबी के मानक पर रखा जाता है। नमस्कार।